चलिए देखते हैं, हम सब हमारे ऐसे को आखिरी मोड़ पर दे रहे हैं। भारत में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जुडिशल रिफॉर्म में चल रहे हैं। देखिए देयर आर कितने मामले लंबित हैं, मोर देन 4.7 करोड़, मोर देन, या पेंडेंसी में भी ले जा सकते हैं, मोर देन 4.7 करोड़। देयर आर मोर देन 4.7 करोड़ मैटर्स आर पेंडिंग, मैटर्स आर पेंडिंग, ये हमारा डेटा है, अच्छा डेटा है। मैटर्स देयर आर मोर देन फॉर द मैटर्स पेंडिंग, देयर आर मोर देन 4.7 करोड़ मैटर्स पेंडिंग कहाँ पर, एट डिफरेंट लेवल्स इन जुडिशरी, अलग अलग लेवल पर, छोटे से लेकर बड़े तक, एट डिफरेंट लेवल्स, ये हमारा डेटा है, लेवल्स ऑफ जुडिशरी, एट डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी। आगे आपराधिक न्याय प्रणाली अपर्याप्त धन, जनशक्ति और सुविधाओं से ग्रस्त है, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो देखिए आप, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, सॉरी, लेवल इन जुडिशरी, लेवल्स भारत में न्यायपालिका से, तो एट डिफरेंट लेवल इन जुडिशरी इन इंडिया, इन जुडिशरी कर दो, न्यायपालिका में, इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज बीन सफर्ड फ्रॉम, ग्रसित है ये, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज बीन सफर्ड फ्रॉम, ये ग्रसित है, किस किस से ग्रसित है वो देखिए आप, हैज बीन सफर्ड आएगा, सफर्ड के बाद फ्रॉम आएगा, हैज बीन सफर्ड फ्रॉम, इसका अगला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, हैज बीन सफर्ड फ्रॉम, सबसे पहले आपका अपर्याप्त धन, जनशक्ति और सुविधाओं से, इंडियन सोसाइटी हैज बीन सफर्ड फ्रॉम, कहाँ कहाँ से, अपर्याप्त धन, इनएडिक्वेट मनी, इनएडिक्वेट यानी अच्छा पैसा है, इनएडिक्वेट मनी, दूसरी किसकी है यहाँ पर कमी, दूसरी कमी है आपकी जनशक्ति की, मैन पावर की कमी है, ये हमें शो करना है क्योंकि यहीं से हमारा रूट लेवल चालू होगा। और किसकी कमी है, सुविधाओं से ग्रस्त है, एंड एंड फैसिलिटीज, फैसिलिटीज से ग्रस्त है, ये इसकी प्रॉब्लम है। द इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज बीन सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट मनी, अपर्याप्त धन, मैन पावर एंड फैसिलिटीज से ग्रस्त है, और इस क्षेत्र में न्यायाधीशों, अभिजीतों की, पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की कमी है, देयर आर स्कार्सिटी ऑफ, कमी है, देयर आर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी आपको पता है कमी को कहते हैं, प्रपोजिशन ऑफ लेगा, स्कार्सिटी ऑफ, किस किस की कमी है वो शो कर देते हैं, देयर आर स्कार्सिटी ऑफ, किस किस की कमी है, जजेस, निश्चित रूप से जजेस की कमी है, जितने रिक्वायर्ड है उतनी जजेस नहीं है, प्रोसिक्यूटर्स, प्रोसिक्यूटर्स की कमी है, प्रोसिक्यूटर्स की कमी है, प्रोसिक्यूटर्स की बहुत कमी है यहाँ पर, जजेस की कमी है, और पुलिस डिपार्टमेंट प्रॉपर नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट प्रॉपर नहीं है, एंड सबसे लास्ट में जो हमारा एविडेंस को कलेक्ट करके देता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की कमी है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कमी है, ये हमने कभी शो कर दी, इसको रूट लेवल पे शो कर दिया कि इस प्रॉब्लम से गुजर रही है हमारी जुडिशरी, यहाँ पर ये चीज की जा सकती है। राजनीतिक प्रभाव और हस्तक्षेप के कारण जांच एजेंसियां निष्पक्ष और मजबूत जांच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कैट नोट पर आ जाओ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कैन नॉट, एजेंसीज क्या नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती, कैन नॉट डू इम्पार्शियल प्रॉब, निष्पक्ष जांच, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल प्रॉब, कैन नॉट डू इम्पार्शियल प्रॉब, किसके कारण, वजह को ले आओ, कैन नॉट डू इम्पार्शियल एंड रॉबस्ट इन्वेस्टिगेशन, या इम्पार्शियल एंड रॉबस्ट प्रॉब कर देंगे, एंड रॉबस्ट प्रॉब ये नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, वजह पे ले आइए, ड्यू टू पॉलिटिकल क्लाउट, ड्यू टू पॉलिटिकल क्लाउट,
पॉलिटिकल क्लाउड भी कर सकते हैं और आपका इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल क्लाउड, राजनीतिक रुतबा एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दखलअंदाजी के कारण और राजनीतिक रुतबे के कारण ये आपकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। जुडिशियल रिफॉर्म में हमारा अंतिम मोड़ चल रहा है, आखिरी मोड़ चल रहा है, जिसको कुछ आखिरी टर्न में अच्छा मोड़ देंगे, थोड़ी जनरल बात भी करेंगे जो कहीं पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। देयर आर मोर देन 4.7 करोड़ मैटर्स पेंडिंग एट डिफरेंट लेवल्स इन जुडिशरी। द इंडियन जुडिशल सिस्टम हैज़ बीन सफर्ड फ्रॉम इनएडिक्वेट मनी, मैन पावर, फैसिलिटीज। देयर आर स्कार्सिटी ऑफ जजेस, प्रोसिक्यूटर, पुलिस एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट। The investigation agencies cannot do impartial and robust probe due to political clout and interference. Due to political clout, पैसे में चला गया ना, ग्रसित की गई है, has been suffered, उसको एक्टिव में भी लिख सकते हैं आप, पैसे में भी लिख सकते हो, has been suffered यानी ग्रसित हो चुकी है, तो कोई तो है ना करने वाला, तो ये पैसे में। दूसरा बोलो, हाँ फिर आप has करो, हो चुकी है, ये एक्टिव में भी जा सकता है, पैसिव में भी जा सकता है, हमारा मानना ये है कि यार करने वाला कोई तो है ना, तो वह हैज बीन में चला जाएगा, पैसिव में। दूसरा बोलो, देयर आर स्कार्सिटी ऑफ जजेस, इसके कारण, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये देयर क्या करता है, ये अपने अकॉर्डिंग आने वाले हिसाब किताब को देखता है कि मेरे साथ प्लूरल आ रहा है कि आपका सिंगुलर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इज और आर को सेट करता है। नहीं, देर आर इसका अपने इसके अकॉर्डिंग लिया है ना, देर आर स्टार्ट ऑफ जजेस, किसकी कमी है, इन लोगों की कमी है, हाँ सिंगुलर में आती है, बिल्कुल आती है, मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग लिया है, आपके जजेस, प्रोसिक्यूशन, स्कार्सिटी के लोगों तो इस ले लोगे, लेकिन वहां पर देर आर किसकी कमी है, स्कार्सिटी ऑफ जजेस, प्रोसिक्यूटर और इसके अकॉर्डिंग, हाँ नहीं गलत तो नहीं होगा वो, इसके अकॉर्डिंग देर की क्या प्रॉब्लम है, देर कहता है मेरे पास सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तो आपने उसको पूरा सब्जेक्ट मान लिया तो आर कर लो, और आप इसको सब्जेक्ट मान के तो इज कर लो, वो देर ही कहता है कि मेरे बाद आ क्या रहा है। और पूछो, चलें आगे। कानून की कमियों के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, देखो उल्लंघन होता है, फिर आपको पैसिव में जाना पड़ेगा, फिर आपको पैसिव में जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका होता है, करने वाला कौन है हमें पता नहीं है, करने वाला कौन है हमें पता नहीं है, तो आपने कहा ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड ड्यू टू लॉप होल्स इन लॉ, किसके द्वारा होता है हमें भी पता नहीं है, ह्यूमन राइट्स उल्लंघन होता है, यदि लूप होल होगा, मान लो रेप पीड़ित हो गया और कानून में आपके लूप होल है, नेचुरल उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो उसके ह्यूमन राइट्स वायलेटेड हो गए होंगे, ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड उल्लंघन होता है ड्यू टू लॉप इन लॉ, कानून की कमियों के कारण, ड्यू टू लूप होल्स इन लॉ, कानून की कमियों को कहते हैं लूप होल्स, तो ह्यूमन राइट्स आर वायलेटेड, ह्यूमन राइट्स का मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है कानून की कमियों के कारण, किसके द्वारा, हमें शो करने की जरूरत ही नहीं है। यह अपराध साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे घिनौने अपराध पर नकेल डालता है ये वाला कानून, दिस लॉ, लॉ करना यहाँ पर कायम नहीं, दिस लॉ ब्राइडल्स ओवर, कानून जो है ये वाला जो कानून आया है ब्राइडल्स ओवर, नकेल डालता है, लगाम कसता है, ब्राइडल्स ओवर किस पर लगाम कसता है, ये साइबर क्राइम्स पर, नए तरीके से लेकर आए कि साहब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा साइबर क्राइम्स पर, दूसरा ले लिया आपने टेररिज्म पर, नई तरीके से आया डेफिनेशन डिफाइन कर रहा है टेररिज्म पर, साइबर क्राइम्स पर, टेररिज्म पर, तीसरा कर लिया ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित जितने भी अपराध हैं, जितने भी नए नए से चाइनीज थिंग को डाल दिया, वो डाल दिया ऑर्गेनाइज क्राइम्स, संगठित जितने भी अपराध हैं, और मॉब लिंचिंग एक नया अपराध जो अभी अभी इजाद हुआ है कुछ सालों पहले, पहले मॉब लिंचिंग जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट तो था लेकिन प्रभाव में नहीं था, मॉब लिंचिंग इनको इंक्लूड कर गया, इनको ब्राइडल कर रहा है, इनको लगाम डालेगा, और
नया कानून पुलिस और जनता के बीच तालमेल स्थापित करता है। दिस न्यू लॉ, ये नया वाला कानून, दिस न्यू लॉ स्थापित करता है, एस्टेब्लिश करता है, क्या कानून करता है ये, हार्मनी बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक, यानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना देगा, हार्मनी, सामंजस्य, तालमेल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक, बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक, पुलिस एंड पब्लिक के बीच तालमेल बैठाएगा, हार्मनी स्थापित करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, हार्मनी करेगा, करता है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा, और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए बोरा समिति और माधव मेनन समिति ने सिफारिशें लागू करने पर जोर दिया था। इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि थोड़ा सा डेटा है, बोरा एंड माधव मेनन कमिटी नाम डालना पड़ेगा अपन को, बोरा, ये अच्छी अपराध के लिए, बोरा एंड माधव मेनन समिति कमिटी, सॉरी माधव मेनन कमेटी हैड फोकस्ड ऑन, हैड क्या किया था इन्होंने, हैड फोकस्ड, उन्होंने जोर डाला था, हैड फोकस्ड क्या करने के लिए, टू इम्पोज, लागू करने के लिए, टू इम्पोज क्या, सिफारिशें, रिकमेंडेशन, टू इम्पोज रिकमेंडेशन, सिफारिशें, रिकमेंडेशन सिफारिशें काहे के लिए, टू रिफॉर्म जुडिशियल प्रोसेस, ये दो का नाम याद रख लेना, है तो बहुत सारी लेकिन अपन ज्यादा नहीं लिखेंगे, ज्यादा लिखने से मेला हो जाता है, टू रिफॉर्म जुडिशियल प्रोसेस टू इम्पोज जुडिशियल प्रोसेस, दो कमेटी, फिर आपका एक लीगल पॉइंट आया, टू पुलिस ऑफिसर, सॉरी, एरिट हैड बीन फाइल्ड बाय, एक रिट को फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एरिट हैड बीन, ऐसे में है आप, एरिट हैड बीन फाइल्ड बाय टू पुलिस ऑफिसर्स प्रकाश, टू पुलिस ऑफिसर प्रकाश एंड एनके सिंह, या टू पुलिस ऑफिसर से काम चल जाएगा, नाम डालने की क्या जरूरत है, फालतू मेला होगा, टू पुलिस ऑफिसर्स, ए रिट हैड बीन फाइल्ड बाय टू पुलिस ऑफिसर्स रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के मामले में, इसमें लिख देना जो रिफॉर्म चल रहा है ये तो लिखना पड़ेगा, रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के संबंध में, लोगों नाम डालने की जरूरत नहीं, वैसे नाम है, आईपीएस ऑफिसर थे प्रकाश सिंह और एनके सिंह। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट हैड इशूड 7 इंस्ट्रक्शन टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड अमेनेबल पुलिस फोर्स, फिर कोर्ट का ऑर्डर देखिए आप, कोर्ट हैड इशूड क्या इशू किया इन्होंने, 7 इंस्ट्रक्शन, 7 दिशा निर्देश, 7 इंस्ट्रक्शंस, 7 दिशा निर्देशों को इन्होंने इस मामले में कहा, काहे के लिए, टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड अमेनेबल पुलिस फोर्स, टू मेक बनाने के लिए, टू मेक इन्होंने कहा कैसा पुलिस फोर्स बनाना है, स्ट्रॉन्ग एंड अमेनेबल पुलिस फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड अमेनेबल पुलिस फोर्स। यहां पर दो आपको जो है आपके नॉलेज है, बोरा और माधव मेनन कमिटी ने सिफारिशें की थी कि साहब जुडिशियल रिफॉर्म करिए आप, एक रिट आई वो पुलिस ऑफिसर ने की, उनका नाम था प्रकाश सिंह और एनके सिंह, इस मैटर में रिट फाइल की और कहा, और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि साफ 7 दिशा निर्देश जारी किए कि आप पुलिस फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए और जवाबदेह बनाइए, ये कानून कवर करता है, ब्राइडल करता है साइबर क्राइम को नए तरीके से, टेररिज्म को नए तरीके से, ऑर्गेनाइज जितने भी क्राइम्स हैं उनको, मॉब लिंचिंग को, 4-5 अपराधों को डिफाइन करता है, कंट्रोल करता है, नकेल डालता है, और पुलिस पब्लिक के बीच में एक अच्छा हार्मनी स्थापित करता है, और
बोहरा और माधव मेनन कमेटी आई, उसने कहा रिकमेंडेशन करो काय के लिए टू रिफॉर्म जुडिशल प्रोसेस को, और दो पुलिस ऑफिसर रिट लगाई जिसमें 7 दिशा निर्देश जारी किए थे कोर्ट ने। और इस पॉइंट का आखिरी और नेक्स्ट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आज का पार्ट, क्लियर यहां तक चले? नेक्स्ट हमारा जो ऐसे आएगा वुमेन एम्पावर्ड वुमेन इमेंसिपेशन आएगा, बहुत अच्छा ऐसे है वुमेन से रिलेटेड, फिर आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट की तरफ। कल का जो ऐसे है वुमेन इमेंसिपेशन और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत प्यारा ऐसे है, कहीं ना कहीं वो अटकेगा जरूर वुमेन को लेकर, क्योंकि चल रहा है अच्छा कुछ का सा। ये महत्वपूर्ण कदम बलात्कार पीड़ित को त्वरित न्याय प्रदान करेगा, बहुत अच्छी बात, दिस सिग्निफिकेंट स्टेप बिल में आ गया, दिस महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट, दिस सिग्निफिकेंट स्टेप क्या करेगा, एक रेप विक्टिम को त्वरित न्याय प्रदान करेगा, विल प्रोवाइड स्विफ्ट जस्टिस, विल प्रोवाइड प्रदान करेगा, क्या प्रदान करेगा, स्विफ्ट कह सकते हैं, स्पीडी कह सकते हैं, स्पीडी तो खूब चलता है, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी कोर्ट, स्विफ्ट आपके मारुति की गाड़ी तेज, दिस सिग्निफिकेंट स्टेप विल प्रोवाइड स्विफ्ट और स्पीडी जस्टिस टू रेप विक्टिम्स, त्वरित न्याय बहुत स्पीडली जस्टिस किसको, टू रेप विक्टिम्स, रेप पीड़ितों को, रेप पीड़ित को, टू रेप विक्टिम, पहला पॉइंट इसका, प्लस पॉइंट जो चल रहा है जिसकी उम्मीद है कि नए सूरज का आगाज करता हुआ रहा, ये वाला लो, नेक्स्ट। इस कानून के अनुसार किसी भी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई जा सकती है, ये खुद एक ऐसे का पॉइंट आ रहा है आने वाले समय में, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, एन एफ आई आर कैन बी लॉस्ट इन एनी पुलिस स्टेशन, कैन बी आपका मॉडल लॉस्ट इन एनी पुलिस स्टेशन, किसी में भी ऐसा नहीं है कि क्षेत्राधिकार का झंझट पड़ेगा, कई लोग तो क्षेत्राधिकार के चक्कर में न्याय से वंचित रह जाते हैं, क्षेत्राधिकार क्या है, इन एनी पुलिस स्टेशन अकॉर्डिंग टू दिस लॉस, इन कानूनों के अनुसार जो भी आया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉस या दिस लॉ, सिंगल लो तो, और ये सुधार जीवन के अधिकार स्वतंत्रता गरिमा गोपनीयता निष्पक्षता सुनवाई को ढाल प्रदान करता है, अंडरलाइन कर लो, इंग्लिश में कितना काम आएगा मुझे नहीं पता, हिंदी में जरूर काम आएगा, ये सुधार जीवन के अधिकार स्वतंत्रता गरिमा और गोपनीयता निष्पक्ष सुनवाई को ढाल प्रदान करेगा, दिस रिफॉर्म विल प्रोवाइड ए शील्ड, एक ढाल प्रदान करेगा, दिस रिफॉर्म विल प्रोवाइड एक प्रदान करेगा, क्या प्रदान करेगा, ए शील्ड एक ढाल, एक ढाल प्रदान करेगा, एक रक्षक प्रदान करेगा, एक सेफ गार्ड देगा, शील्ड प्रदान करेगा, एक शील्ड प्रदान करेगा किसको, शील्ड टू राइट टू लीव, किसको, राइट टू लीव जीने के अधिकार को, राइट टू लीव पहला जीने के अधिकार को ये वो करेगा, गरिमा प्रदान करेगा, संविधान की बात कर रहे हैं, लिबर्टी स्वतंत्रता देगा, स्वतंत्रता के लिए ढाल प्रदान करेगा, अब कौन सा कानून सब जगह एप्लीकेबल है, ग्लोरी गरिमा को प्रदान करेगा, सीक्रेसी गोपनीयता को प्रदान करेगा, जो भी सीक्रेसी है, सीक्रेसी एंड इम्बायस हियरिंग निष्पक्ष सुनवाई को, अच्छा वर्ड है इम्बायस हियरिंग्स एंड इम्बायस हियरिंग्स, देखिए इसके फायदे, ये जो कानून है, ये जो रिफॉर्म है, ये जो सुधार है, ये जो स्टेप है, ये जो आपका एक्टिविटी है, विल प्रोवाइड ए शील्ड एक ढाल प्रदान करेगा किसको, टू राइट टू लीव जीने के अधिकार को, ढाल बनेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, सेफ्टी गार्ड बनेगा, लिबर्टी स्वतंत्रता को, ग्लोरी उसकी गरिमा को, सीक्रेसी
उसके गोपनीयता को, उसके निजता को, एम्बायस हियरिंग्स आपके निष्पक्ष सुनवाई को। तो दिस सिग्निफिकेंट स्टेप विल प्रोवाइड, ये महत्वपूर्ण स्टेप प्रोवाइड करेगा स्विफ्ट एंड स्पीडी जस्टिस, त्वरित न्याय टू रेप विक्टिम्स, बलात्कार पीड़ित को। एन FIR, एक FIR कैन बी लो दर्ज करवाई जा सकती है इन एनी पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन में अकॉर्डिंग टू दिस लॉज, इस कानून के अनुसार। दिस रिफॉर्म विल प्रोवाइड ए शील्ड, ये रिफॉर्म एक ढाल प्रदान करेगा किसको, टू राइट टू लीव, जीने के अधिकार को, लिबर्टी स्वतंत्रता को, ग्लोरी उसकी गरिमा को, सीक्रेसी उसकी निजता को, एंड इम्बायस हियरिंग्स उसके निष्पक्ष सुनवाई को। आइए इसी के साथ पार्ट पांच की तरफ मूव करते हैं, जो कहीं भी लगा देना, किसी भी जुडिशियल ऐसे में एप्लीकेबल है, क्योंकि नॉर्मल कंटेंट है। देखिए आप, एक नॉर्मल चीज जो जुडिशियल एक्टिविटीज में आ जाएगा, कहीं पर भी आ जाएगा, जुडिशियल रिलेटेड कोई भी ऐसे होगा, वहां पर ये जो हम बोलने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन में है। ये बात 16 ने सच है कि पारदर्शी न्याय एक आम आदमी के दायरे से बाहर है, ये बात तो सही है, क्योंकि महंगा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम बताना भी दी जाएंगे। दिस इज ट्रूइज्म, ट्रूइज्म का मतलब है 16 आने सच, ये 16 आने सच है, ये एक ट्रूइज्म है। दैट क्या, दैट पारदर्शी न्याय, ट्रांसपेरेंट जस्टिस, एक पारदर्शी न्याय, ट्रांसपेरेंट जस्टिस क्या है, इज बियॉन्ड, उससे परे है, बियॉन्ड किसके परे है, इज बियॉन्ड ए कॉमन पर्सन एम्बिट और रिच, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर। जो भी एक आम आदमी है जिसके पास इतना पैसा नहीं है, एक कॉमन पर्सन एम्बिट, एम्बिट यानी दायरा, या रिच भी कर सकते हो दायरा। पार्ट पांच आखिरी प्रेजेंटेशन हमारा, इट इज ट्रूइज्म, ये 16 आने सच है, दैट ट्रांसपेरेंट जस्टिस, एक पारदर्शी न्याय, इज बियॉन्ड परे है, एक कॉमन पर्सन एम्बिट, एक आम आदमी के दायरे से अभी भी बाहर है। क्यों बाहर है वो देखिए आप, बढ़ते हुए लंबित वाद और न्यायाधीशों की कमी इस महत्वपूर्ण समस्या में आग में घी का काम करती है। उधर तो केसेस बढ़ रहे हैं, उधर तो केसेस बढ़ रहे हैं, सोरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, सोरिंग पेंडिंग केसेस पहली समस्या, ये तो बहुत ही 4.7 करोड़ से ज्यादा मामले, एंड दूसरा दिया न्यायाधीशों की कमी या कम होते हुए न्यायाधीश या न्यायाधीशों की कमी, स्कार्सिटी या डर्थ ऑफ जजेस, दूसरा वर्ड चेंज कर दो, डर्थ ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की कमी, बढ़ते हुए पेंडिंग केसेस, दोनों आपस में कोरिलेट है, जज कम होंगे तो सोरिंग पेंडेंसी बढ़ेगी, यानी जज कम है, सोरिंग पेंडिंग केसेस एंड डर्थ ऑफ जजेस क्या है, आग में घी का काम करते हैं, एड फ्यूल टू द फायर, एड एक फ्रेज को बुलाया, एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी का काम करते हैं, बढ़ते हुए लंबित वाद और आपके जजों की कमी, आग में घी का काम करते हैं, किसमें, इस गंभीर समस्या में, इस महत्वपूर्ण समस्या में, इन दिस सेमिनल प्रॉब्लम, इन दिस सेमिनल प्रॉब्लम, इस गंभीर समस्या में दो आपके कोज हैं, दो आपके कारण हैं जो आग में घी का काम करते हैं, पहला है बढ़ते हुए पेंडिंग केसेस, दूसरा घटते हुए या जजों की कमी, बहुत बड़ी समस्या है। सोरिंग पेंडिंग केसेस एंड डर्थ ऑफ जजेस एड फ्यूल टू द फायर इन दिस सेमिनल प्रॉब्लम, इस महत्वपूर्ण समस्या में, और एक आम आदमी को महंगे मुकदमेबाजी के कारण न्याय के लिए तरसना और भटकना पड़ता है, अंडरलाइन करो हिंदी में, एक आम आदमी को महंगे मुकदमेबाजी के कारण, सुप्रीम कोर्ट तक तो जा ही नहीं सकता, न्याय के लिए तरसना और भटकना पड़ता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन,
मजबूरी है उसके भी, इतना महंगा लॉयर वो नहीं कर सकता। ए कॉमन पर्सन हैज टू तड़पना या तरसना कि मेरे को जस्टिस मिलेगा, पाइन उसको तरसना पड़ता है और भटकना पड़ता है, वॉन्डर तरसना भी पड़ता है भटकना भी पड़ता है, एक साथ लिख लो। यूज होगा तो एक साथ होगा, नहीं तो यूज होगा ही नहीं। यूज करेंगे तो एक साथ करेंगे। एक कॉमन पर्सन हैज टू पाइन और वॉन्डर, एक आम आदमी को भटकना पड़ता है और तरसना पड़ता है, कहीं के लिए, न्याय के लिए, फॉर जस्टिस, किसके लिए, न्याय के लिए, फॉर जस्टिस। क्यों, वजह पर लेकर आओ। ये कह रहा है महंगी मुकदमेबाजी के कारण, बस की बात नहीं है, इतना ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की फीस को पे कर पाए। ड्यू टू एक्सपेंसिव लिटिगेशन, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसा कंटेंट है जो कहीं भी उतरने को तैयार है। बाउंडेशन में नहीं है कंटेंट, ये आखिरी किसी भी जुडिशरी में लगा देंगे हम, किसी भी जुडिशियल ऐसे में कहीं पर भी। ए कॉमन पर्सन हैज टू पाइन और वॉन्डर फॉर जस्टिस, एक आम आदमी को तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है, भटकना पड़ता है न्याय के लिए, ड्यू टू एक्सपेंसिव लिटिगेशन महंगी मुकदमेबाजी के कारण, और पॉक्सो और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए त्वरित और कठोर न्याय प्रदान करना चाहिए। हम और राय दे रहे हैं हमारी तरफ से, स्विफ्ट एंड स्टर्न, दो तरीके का, दोनों एस पर है, ये बढ़िया फायदा। स्विफ्ट यानी त्वरित, स्टर्न यानी सख्त। स्विफ्ट एस पर, ये भी एस पर। स्विफ्ट एंड स्टर्न पनिशमेंट, पनिशमेंट मस्ट बी प्रदान करना चाहिए, मस्ट बी प्रोवाइडेड देना चाहिए, कैटर्ड प्रनाउंस कुछ भी, मस्ट बी प्रोवाइडेड टू किसको, ऑफेंडर्स ऑफ पॉक्सो एंड रेप, उनके अपराधियों को, ऑफेंडर्स ऑफ पॉक्सो एंड रेप। पॉक्सो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा घृणित अपराध है। पॉक्सो एंड रेपिस्ट कर दो, बलात्कारियों को या रेप भी करो तो चलेगा, रेपिस्ट या रेप दोनों एक मतलब है, बलात्कार और पॉक्सो के अपराधी जितने भी हैं उनको स्पीडी ट्रायल लो और स्पीडी पनिशमेंट करो, स्टर्न पनिशमेंट दो, दया का कोई भाव नहीं है। एक 3 साल 10 साल की बच्ची के साथ कुछ भी इनिसेंट एक्ट होता है तो वो फॉरगिवेबल नहीं है। और न्यायिक प्रक्रिया को भाई बतीवाद से 36 का आंकड़ा रखना चाहिए, अंडरलाइन कर लो। राजनीतिक अपराधीकरण आ गया तो ये यूज करोगे आप, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार आ गया तो ये यूज करोगे आप, पूरा जो आज का लास्ट मैटर है, न्यायिक प्रक्रिया को भाई भतीजावाद से 36 का आंकड़ा रखना चाहिए। 36 का आंकड़ा यानी भैया तेरे और मेरे तो बनेगी नहीं, न्यायिक प्रक्रिया को इतना ज्यादा डिस्टेंस रखना चाहिए कि दोनों एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स न्यायिक प्रक्रिया शुड क्या रखना चाहिए, 36 का आंकड़ा, शुड कीप पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, सीधी एक फ्रेज बुलाओ, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, 36 का आंकड़ा, सीधी एक फ्रेज यूज करेंगे जो जायज है यहां पर, कीप पोल्स अपार्ट डिस्टेंस, 36 का आंकड़ा रखना चाहिए न्यायिक प्रक्रिया को, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस रखेगी न्यायिक प्रक्रिया, पोल्स अपार्ट डिस्टेंस रखेगी न्यायिक प्रक्रिया, 36 का आंकड़ा है कि तेरे मेरे बीच बनेगी नहीं, किससे, भाई भतीजावाद से, विथ नेपोटिज्म, राजनीतिक अपराधीकरण आए तो भी ये कहानी लागू होगी, विथ नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जो राजनीति में बहुत प्रचलित है, अब मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ तो मेरा बेटा आएगा राजनीति में, ये चल रहा है, अभी चला भी था चुनाव में, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग शुड कीप पोस्ट अपार्ट डिस्टेंस विथ नेपोटिज्म, न्यायिक प्रक्रिया को भाई भतीजावाद से 36 का आंकड़ा रखना चाहिए, वो यदि उस पॉइंट पर है तो जुडिशरी इस पॉइंट पर, दोनों में आपस में दूर का तो क्या,
बहुत दूर का भी संबंध नहीं होना चाहिए। फिर लोगों की आस्था की अंतिम मंजिल न्याय का मंदिर होता है। बहुत अच्छी बात, लोगों की आस्था की अंतिम मंजिल न्याय का मंदिर होता है। द टेम्पल ऑफ जस्टिस इज द, बात को हम थोड़ा सा रंग दे रहे हैं अच्छे वे में, द टेम्पल ऑफ जस्टिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन, द लास्ट डेस्टिनेशन अंतिम मंजिल होता है। लास्ट डेस्टिनेशन किसकी अंतिम मंजिल होता है? लोगों के भरोसे की, लोगों की आस्था की लास्ट डेस्टिनेशन होता है ये न्याय का मंदिर। ऑफ, एक भरोसा होता है लोगों को कि मुझे यहाँ पर न्याय मिलेगा, पीपल्स बिलीव। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये कंटेंट कहीं भी जाने को तैयार है, बस इससे मिलता जुलता एक परिधि आ जानी चाहिए, वो वाली बात है। द टेम्पल ऑफ जस्टिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ पीपल्स बिलीव, लोगों की आस्था की अंतिम जो मंजिल होती है वो न्याय का मंदिर होती है। क्यों होती है और आगे कहानी देखिए। जहां वे अपनी उम्मीद के आंचल में न्याय पाना चाहते हैं, उम्मीद का आंचल लेके जाते हैं, भैया आज तो मेरा न्याय कर दो। वेयर, कंजेक्शन जोड़ा आपने, वेयर दे चाहते हैं, वांट टू, जहां पर वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वांट टू गेट जस्टिस, न्याय तो चाहते हैं वो, वांट टू गेट जस्टिस, वहां पर वो न्याय चाहते हैं। कहां पर? अपने उम्मीद के आंचल में, अपने उम्मीद के आंचल में, इन द लैप ऑफ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, इन द लैप ऑफ डियर, एक उम्मीद लेकर जाते हैं कि आज तो मेरा न्याय हो जाएगा, आज तो मेरे चेक का सोल्यूशन हो जाएगा, इतनी दूर आया हूं, एक्सपेक्टेशंस। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी चीज, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, नाममान कंटेंट है, कहीं पर भी यूज कर दीजिए। दे वॉन्ट टू गेट जस्टिस इन द लैप ऑफ दियर होप्स, ये लिखने से थोड़ा सा कंटेंट उछल गया, नहीं तो वहां भी रुक सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द लैप ऑफ दियर होप्स और एक्सपेक्टेशन, उनके उम्मीदों के आंचल में वो न्याय प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? द टेम्पल ऑफ जस्टिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ पीपल्स बिलीव, लोगों की आस्था की अंतिम मंजिल न्याय का मंदिर होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग को नेपोटिज्म से 36 का आंकड़ा रखना चाहिए। कीप पोल्स अपार डिस्टेंस विथ नेपोटिज्म, आइए लोग न्यायतंत्र और विधि को के शासन में अंधा भरोसा करते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन चल रहा है, कंटेंट को थोड़ा सा पकड़ के रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि हिंदी में भी आपकी ये नंबर की बारिश करेगा और इंग्लिश में भी कंटेंट बारिश करेगा, तो दो फायदे हो रहे हैं आपके, इस फायदे को थोड़ा सा अच्छा यूज करना है। तो देखिए आप, लोग भरोसा करते हैं, द पीपल रिलाई ऑन, प्रेजेंटेंस चल रहा है हमारा, द पीपल बड़े आराम से, रिलाई ऑन, लोग भरोसा करते हैं, कायम है जुडिशियल मैकेनिज्म, न्याय तंत्र में, मैकेनिज्म कर दिया, तंत्र बोल दिया, इतनी देर प्रोसीडिंग वगैरह यूज कर रहे थे, अब थोड़ा सा वर्ड को चेंज कर दिया, जुडिशियल मैकेनिज्म, विधि, न्याय का जो तंत्र है, विधि का जो तंत्र है, मैकेनिज्म है, उसमें भरोसा करते हैं। और दूसरा, रिजीम ऑफ लॉ, विधि के शासन में, एंड ये भी अच्छा वर्ड है, विधि का शासन बोलने में बहुत अच्छा लगता है, रिजीम ऑफ लॉ, कैसे करते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके, कि कोर्ट से कोई भी फैसला होगा वो हमें मंजूर है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, कोई भी तरीके का ऐसा नहीं कहेंगे हमारे साथ अन्याय हो गया, क्योंकि कोर्ट का फैसला सर आंखों पर होता है, कोर्ट का फैसला बहुत माथे से लगाया जाता है, इसीलिए कोर्ट होता है वो। द पीपल रिलाई ऑन, लोग भरोसा करते हैं किस किस पर, जुडिशियल मैकेनिज्म, न्यायिक जो इसका तंत्र है उस पर, एंड रिजीम ऑफ लॉ, विधि के शासन पर, कैसा, ब्लाइंडली, बिल्कुल आंख बंद करके, ऐसा नहीं कुछ शक कर रहे हैं। और नेक्स्ट आइए, अब कानूनी ढांचे और कानूनों में सुधार, कानूनी शिक्षा में सुधार करना, जनता में विधिक जागरूकता पैदा करना,
न्याय को त्वरित और सस्ता बनाना न्यायिक सुधार में शामिल किया जा सकता है। तो देखिए क्या क्या करेंगे, टू रिफॉर्म इन लीगल स्ट्रक्चर, ढांचे में सब कुछ आ गया। टू रिफॉर्म, आराम से समझते क्योंकि पॉइंट है ये, तो टू रिफॉर्म इन लीगल स्ट्रक्चर या टू रिफॉर्म, सीराई कर दीजिए आप, इन लीगल स्ट्रक्चर एंड लॉज, लीगल इस कानूनी ढांचे में सब कुछ आ गया, कानूनी ढांचे एंड दूसरा इसी में जोड़ दिया, डबल डबल ने फालतू वर्ड यूज नहीं करना, एंड लॉज सब कुछ आ गया इसमें, कानूनी ढांचे में सुधार करना और स्ट्रक्चर में सुधार करना। दूसरा दूसरा क्या है, टू इम्प्रूव लीगल एजुकेशन, हर आदमी के लीगल एजुकेशन हो तो कोई उसमें मिस यूज नहीं करेगा, पुलिस वाला नाचेगा नहीं। टू इम्प्रूव लीगल एजुकेशन, कानूनी शिक्षा में सुधार, और पहला पॉइंट स्ट्रक्चर आ गया, दूसरा पॉइंट लॉ आ गया, तीसरा पॉइंट एजुकेशन आ गया, चौथे पर आइए, टू क्रिएट लीगल अवेयरनेस इन पब्लिक, हमारा नेक्स्ट मोटो है, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके कानूनी अधिकार क्या क्या हैं। टू क्रिएट क्या, क्रिएट लीगल अवेयरनेस इन पब्लिक, लीगल अवेयरनेस इन पब्लिक, पब्लिक में आपका लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना पड़ेगा आपके कानूनी अधिकार क्या क्या हैं, क्या क्या लीगल अवेयरनेस हैं, लीगल एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा पब्लिक में, लीगल स्ट्रक्चर और लॉ में रिफॉर्म करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा लीगल एजुकेशन को, सामाजिक सॉरी कानूनी अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, और देखिए जो कहता जाए वो करना है, टू मेक चीप एंड स्विफ्ट जस्टिस, टू मेक बनाना पड़ेगा, टू मेक बहुत सस्ता सुलभ चीप एंड स्विफ्ट, कन्वीनियंट भी कर सकते हो आप, स्विफ्ट जस्टिस, ये हमको रिफॉर्म की कैटेगरी के कुछ अच्छे स्टेप, टू मेक चीप एंड स्विफ्ट जस्टिस, और क्या करना पड़ेगा देखिए आप, ये सब आप जो हैं कैन बी इंक्लूडेड इन जुडिशियल रिफॉर्म, किया जा सकता है, कैन बी इंक्लूडेड, इन पॉइंट्स को याद रखना है आपको, इंक्लूडेड इन जुडिशियल रिफॉर्म। इस पॉइंट पर कुछ ऐसे अटकेगा जरूर किसी ना किसी वे में, रिफॉर्म यही कह रहे हैं हम। तो आपने कहा टू रिफॉर्म इन लीगल स्ट्रक्चर एंड लॉ, कानूनी ढांचे और कानून में सुधार, टू इम्प्रूव लीगल एजुकेशन, कानूनी शिक्षा में इम्प्रूवमेंट, टू क्रिएट लीगल अवेयरनेस इन पब्लिक, जनता में कानूनी जो जागरूकता है वो पैदा करना, टू मेक चीप एंड स्विफ्ट जस्टिस, आपका सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करना, कैन बी इंक्लूडेड इन जुडिशियल रिफॉर्म, न्यायिक सुधार में शामिल किया जा सकता है, कैन बी इंक्लूडेड। और आगे क्या कह रहा है देखिए, न्यायिक संस्था और विधि का शासन आधुनिक सभ्यता और लोकतांत्रिक शासन की नींव का पत्थर होता है। फिर एक अच्छी लाइन, न्यायिक संस्था जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, न्यायिक संस्था है वो हमारी जिस पर हमारा अंधा भरोसा है, ब्लाइंड है, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो है लोकतांत्रिक सॉरी विधि का शासन, यहाँ पर वहां पर रिसीव किया था, यहाँ पर कर दो रूल, रूल ऑफ लॉ, वर्ड को चेंज कर दिया, रूल ऑफ लॉ, दोनों हिंदी में अच्छी प्रेजेंटेशन ला रहे हैं, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या है, आर कॉर्नर स्टोन, कुछ भी लिख देना अच्छा वर्ड, आर कॉर्नर स्टोन, मिरर कर सकते हो, फाउंडेशन स्टोन कर सकते हो, पोल स्टार कर सकते हो, ओशियन कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव वर्ड डाल दो, कॉर्नर स्टोन जरूरी नहीं है, नीम का पत्थर है, ध्रुव तारा है, पोल स्टार, लोड स्टार, कुछ भी अच्छा सा वर्ड जो इसका, मिरर, दर्पण, आईना, महासागर, सागर, कुछ भी अच्छा सा, इंद्रधनुष, रेनबो कर दो, कुछ भी वर्ड अच्छा होना चाहिए, बस पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए।
जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल ऑफ लॉ आर कॉर्नर और पोल स्टार, ये क्या होते हैं, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक रिजिम, आधुनिक सभ्यता के नींव का पत्थर होते हैं, पोल स्टार ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता और किसका कॉर्नर स्टोन होते हैं, दो चीजों का लिया हमने, डेमोक्रेटिक रिजिम, उसमें आपके प्रजातंत्र की महक आनी चाहिए, जो आपके कानून हैं उसमें प्रजातंत्र झलकना चाहिए, डेमोक्रेटिक रिजिम। ऐसा नहीं किम जोंग का शासन है कि साहब यदि आपके कानून स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें कोई लूप होल्स नहीं है, तो उनमें खुशबू आनी चाहिए, प्रजातंत्र की डेमोक्रेटिक फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, डेमोक्रेटिक एरोम आनी चाहिए, डेमोक्रेटिक आपका जिसे कहते हैं कि एक रेडोलेंट आनी चाहिए, खुशबू महकना चाहिए कि प्रजातंत्र में रहते हैं, हम लगना चाहिए, हमें भी लगना चाहिए और दुनिया को भी। तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल ऑफ लॉ आर कॉर्नर स्टोन और पोल स्टार ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक रिजीम। एक आपका जो न्यायिक संस्थाएं हैं और कानून की विधि का जो शासन है, वो कॉर्नर स्टोन होते हैं, वो पोल स्टार होते हैं आधुनिक सभ्यता के और आपके डेमोक्रेटिक रिजीम के। और आखिरी हमारी लाइन, ऐसे आखिरी पड़ाव, न्यायिक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी और पारदर्शी व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए, आपकी उत्तरदायी और आपका ट्रांसपेरेंट, एमिनेबल भी कर सकते हो और भी कुछ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा बड़ा लगे, उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल एंड रोबस्ट कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो, कोई भी अच्छा वर्ड चाहिए मैं तो, सशक्त कर दो, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जिम्मेदार, एमेनेबल भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, जवाबदेह भी यूज हो सकता है, ट्रांसपेरेंट की जगह आप एमेनेबल भी यूज कर सकते हैं, प्रोसेस शुड बी एस्टेब्लिश, शुड बी एस्टेब्लिश्ड, काहे के लिए, शुड बी एस्टेब्लिश, ट्रांसपेरेंट अरेंजमेंट कर दो, शुड बी एस्टेब्लिश प्रोसेस, अरेंजमेंट भी कर सकते हो, व्यवस्था, अरेंजमेंट, व्यवस्था, प्रोसेस, शुड बी एस्टेब्लिश, फोर जुडिशियल प्रोसीडिंग या जुडिशियल प्रोसेस, इनडोमिटेबल करो, एक वर्ड जोड़ दो, हमारा अद्वितीय है, इनडोमिटेबल जुडिशियल प्रोसेस, ये ठीक रहेगा, एक अद्वितीय कानूनी प्रक्रिया के लिए, बड़ा प्यारा वर्ड है, बार बार यूज करें हम, अद्वितीय कानूनी प्रक्रिया के लिए, अद्वितीय कानूनी प्रक्रिया के लिए, इनडोमिटेबल, जिसकी कोई बराबरी ना हो वो इनडोमिटेबल कहलाएगा, इनडोमिटेबल जुडिशियल प्रोसेस और अरेंजमेंट। देखिए आप बहुत अच्छे से समझना है, ये जो कंटेंट है किसी भी लीगल एक्टिविटीज में, जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, वकीलों का वो भी आ सकता है, सरोगेसी पे भी मेरे को चांसेस अच्छे लग रहे हैं, सरोगेसी भी बहुत अच्छा पॉइंट है, सरोगेसी पे लिखेंगे अपन थोड़ा बहुत, क्योंकि सरोगेसी के बारे में आपको एबीसीडी नहीं पता है, सरोगेसी में इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरोगेसी क्या है, कौन सा लॉ उसको कवर कर रहा है, आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, मेरा दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा है, ये दो तीन पॉइंट तो कुछ आपका घूमेगा ही घूमेगा, एक वो आजकल वो एक पॉइंट और है, वो भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, उस पर भी लॉ कवर हो रहा है, तो वहाँ भी ये तीन चार पॉइंट तो टकराएंगे आपस में, या तो वहाँ या यहाँ। तो देखिए आप, द पीपल रिलाय ऑन जुडिशियल मैकेनिज्म एंड रिजीम ऑफ लॉ ब्लाइंडली, लोग भरोसा करते हैं विधि के तंत्र पर, विधि के शासन पर, न्यायिक तंत्र पर, न्यायिक शासन पर, वो हिंदी में कुछ भी बोलो, अंग्रेजी में जुडिशियल मैकेनिज्म एंड रिजीम ऑफ लॉ ब्लाइंडली आएगा, क्यों, टू रिफॉर्म इन लीगल स्ट्रक्चर एंड लॉ, कानूनी ढांचे और कानून में सुधार, टू इम्प्रूव लीगल एजुकेशन, कानूनी शिक्षा में सुधार, टू क्रिएट लीगल अवेयरनेस पब्लिक, पब्लिक में कानूनी जागरूकता पैदा करना, टू मेक चीप एंड स्विफ्ट जस्टिस, आपका सस्ता और त्वरित न्याय पैदा करना, कैन बी इंक्लूडेड, शामिल किया जा सकता है जुडिशियल रिफॉर्म, न्यायिक सुधार में,
judicial organization and rule of law are cornerstone or pole star of modern civilization. एक आपके विधि का जो ये संगठन है और कानून का जो शासन है, नीम का पत्थर है, दर्पण है, पोल स्टार है, ओशियन है, रेनबो है, सेवन कलर रेनबो है, ऐसी आदत से डालो 10-20 वर्ड को तो साथ लेके चलना है जो पूरी बारात में घुमा दोगे आप, क्योंकि किसी भी ऐसे में उतर जाएंगे ये. मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक रिजीम, मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक रिजीम, द रेस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट या अमेनेबल प्रोसेस, द रेस्पॉन्सिबल या ट्रांसपेरेंट या अमेनेबल प्रोसेस, जवाबदेह और जिम्मेदार, दोनों जयपुर आ रहे हैं, बोलने में अच्छा लगता है, जवाबदेह और जिम्मेदार, जिम्मेदार और जवाबदेह, रेस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट या अमेनेबल प्रोसेस या अरेंजमेंट शुड बी एस्टेब्लिश फॉर इनडोमिटेबल जुडिशियल प्रोसेस, अद्वितीय न्यायिक प्रक्रिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी. क्लियर यहाँ तक? कल का हमारा ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इमेंसिपेशन पर है, वो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि औरत से रिलेटेड कोई भी ऐसे आएगा, विमेन जहाँ पर एग्जिस्ट करेगी वहां पर हम ले जाकर उसको कंटेंट को यूज कर लेंगे. कितने ऐसे हो गए अपने?